ये पंजाब का एक गांव माधवी, छोटा सा गांव है। बरनाला के लिए कौन सा रास्ता है? हाँ अच्छा ठीक, तो मुझे लेना था राइट टर्न, मैंने ले लिया लेफ्ट। साइकिल में ना हवा कम है, बहुत जोर लग रहा है और स्पीड भी 15-16 से ज़्यादा आ नहीं रही है। ऐसी सड़क पे तो 20 चली जानी चाहिए थी। तो जी मैदवी से बाहर आ गया मैं, गांव यहाँ आकर के हो जाता है ख़त्म। ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है, छुट्टी है शायद, दिन है आज मंगलवार का। जैसे ही गांव ख़त्म होता है ना, आपको बस हरियाली नज़र आती है। अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस खूबसूरत हरे भरे थोड़े से शांत रास्ते को। एक चीज़ मेरे को समझ आई है अभी तक, क्योंकि आज पहला ही दिन है, तो मैं एक चीज़ तो समझ पाया कि अगर आप रास्ता पूछते पूछते जाएं तो एक मंजिल रख लीजिए, बड़ा शहर, जैसे कि अभी मैंने बरनाला रखा है, कल मलेरकोटला रखा था, और फिर आप लोगों से पूछते पूछते उस जगह पहुँच जाइए और वहाँ से फिर अपनी दूसरी मंजिल और फिर तीसरी, इस तरह से चलते जाइएगा। ऐसी सड़क पर आप मस्ती से चल सकते हैं बिना किसी घबराहट के, परेशानी के, क्योंकि ट्रैफिक वाकई बहुत कम होता है। हाईवे की तरह डेंजरस ट्रैफिक नहीं है। ये बरनाला जाएगा ना रास्ता? ठीक है जी। गांव के नाम क्योंकि पंजाबी में लिखे होते हैं कुछ पता नहीं चलता, मैं बस क्रॉस करता रहता हूँ। गांव की छोटी सी सड़क और यह हसीन सा रास्ता, मजा आ रहा है इस वक्त। मैं बहुत स्लो हूँ, शायद डिस्टेंस कवर करने से ज़्यादा मुझे चलने में मज़ा आ रहा है इस वक्त। हारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। उठी मेरी नजर तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रहा यही हसरत वे दिले नदान, असर भी हो रहेगा हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। मजा आया। ये दिल लगी ये शोखियाँ नाम की, कोई तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख ले हमें जरा, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। ये मिस्टर मोहम्मद रफी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग। ये बरनाला कौन सा रास्ता है? अच्छा, एक तरफ सड़क के घर है, दूसरी तरफ इस तरफ यहाँ पर खेत है। लेकिन
लीजिए दोस्तों, 17 किलोमीटर चल के मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। नाम तो पंजाबी में लिखे हैं इसलिए बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन सी जगह है ये, लेकिन खास बात है ये आप देख रहे हैं ना, ये चौराहा। तो देखिए आप, वो खड़ी है मेरी साइकिल वहाँ पर, और एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, दोनों तरफ हरियाली, एक रास्ता इस तरफ से आ रहा है, फिर से दोनों तरफ हरियाली। क्या शानदार सी जगह है, बड़े शानदार वाले बेर लगे हैं भाई साहब। बचपन में यही बेर हम सड़क के किनारे ऐसे ही था तोड़ तोड़ के खाया करते थे। गांव में लगे हुए दिखते हैं ऐसे बेर, ना खट्टे ना मीठे, एवरेज सा टेस्ट है, खाने में मजा आता है। अभी ये पक जाएंगे तो लाल हो जाएंगे, मजा आ गया भाई साहब। This firestone, if this is something real, not afraid to find our way whenever what we feel might roam. Time can only make this glow. Dadi Barnala ke liye idhar se. This firestone. Achha, thank you. If this is something real, not afraid to find. Whenever what we feel might roam, time can only make this glow. If this is something real, not afraid to find our way. यहाँ से है भटिंडा 53 किलोमीटर। प्यास बहुत जोर से लगी है, अच्छा लग रहा है ट्रैवल करके, राइड करके। भूख लगाई है बहुत जोर से, घर से ये बना के निकला हमें। 100 किलोमीटर आज का पूरा हो गया और रुका हूँ एक जगह चाय पीने के लिए। This firestone.